कि भगवान को करूं कि वो तो ठग नहीं, वो तो गुरु जी उसके थे, वो तो उसी के पास थे। वो मन में वो भ्रम आ गया कि मैं प्रणाम किसको करूं, किसको, ठाकुर जी भगवान साक्षात, जैसे पंडित जी कथा में बताए थे, एकदम त्रिभंग ललित मुद्रा है, पीताम्बर धारी है, हाथ में बंसी है, मधुर मधुर मुस्कान है, चंचल चंदन चर्चित श्रीअंग है, वो तो देख लिया ठाकुर जी को। अब मैं किसको प्रणाम करूं, तो मन में भ्रम आ गया, तो साक्षात श्री कृष्ण कह किसको प्रणाम, गोविंद दियो बताया। देखिए ये निष्ठा, जब इतना भारी निष्ठा नहीं हो, भगवत दर्शन की चाह नहीं हो, तो देखिए उस भक्त के लिए उस ठग का भी ठग पर भक्त। यहाँ पर देखिए कितना भारी उत्कंठा है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को, राधा कुंड के तट पर बैठ करके, अपने गुरुजनों के आदेश पा करके राधा कुंड के तट पर बैठे हैं और प्रिया जी की एक एक लीलाओं का स्मरण करते हैं, और स्मरण करते प्रिया जी पूरा लीला प्रकट हो जाता है, सेवा प्राप्त हो जाता है। ये केवल उत्कंठा का बीरा है भाई, जब तक बीरा प्राप्त नहीं होगा तब तक ये रस नहीं मिलेगा। साधन भजन किया जाता है वस्तु को पाने के लिए, लोलुपता प्राप्त कर लिया, तड़पन प्राप्त हो जाए, चाह रहेगा तब तो तड़पन होगा। जैसे उस राजे को चाहती हमें भगवान मिलना चाहिए, तो अपना बीवी छोड़ा, बच्चा छोड़ा, राजपाट छोड़ा, सब कुछ आया, वृंदावन की गली गली डोला, सबसे पूछता फिरा कि हमको भगवान का दर्शन बता दो, कोई नहीं बताया तो ठग ही यार बताया तुझे, वो ठग बताया, ठग की बात सुना, आंख मूंदा, कितना, जब तक गुरुजी नहीं कहेंगे तब तक मैं नेत्र खोलूंगा नहीं। इतना यदि साधना पर निष्ठा हो जाए तो भगवान वश में, यही है तत्र लौल्यम रूपी केवल अमूल्य। भगवत प्राप्ति के साधन शास्त्रों में बहुत बताए गए हैं, ये करो भगवान मिल जाएंगे, ये करो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन भगवान मिलते कब हैं, जब लोलुपता जगती है, जब चाह जगती है, चाह हो जाए हमें भगवान चाहिए, तो भगवान तो कहीं दूर तो है नहीं, भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, कोई ऐसा जगह नहीं जहां ना हो, वो केवल यही देख रहा है कि चाह हो। भक्तमाल में तो ये कहता है कि एक भंगी की स्त्री थी, बड़ा सुंदर, देखने में बड़ी सुंदर, तो सब भंगी के लड़के मन में इच्छा करते थे कि इसकी शादी मेरे साथ हो जाए, सब लोग चाहते, तो लड़की भी अपने कंडीशन लगा दी थी कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी जिसको 5 जूता रोज मारू, 5 जूता पीटूंगी तब उसके साथ शादी करूंगी, रोज रोज पीटूंगा तब। एक भंगी का लड़का के मन में आया कि यार चलो पिटाई खा लेते, शादी तो हो जाए, चल क्या, वो शादी कर लिया, बच्चा भी हो गया, रोज 5 जूता पीटती थी, अब कितना सहे बेचारा, एक दिन दो दिन, लड़के थोड़ा बड़े हो गया, बाप को जूता से पिटाई हो रहा, उसको मन में वैराग्य हो गया, घर छोड़कर भाग गया, भाई एक दो दिन पिटाई खाया तब तो कितना, हम लोग कैसे हैं कि रोज पिटाई खाकर उसी विषय का भोग कर, तो रोज पिटाई। ये संसार का जितना विषय है, खाना पीना, जैसा विषय पीट ही रहा है, लीवर खराब हो गया, दांत सड़ गया, आंख में चश्मा आ गई, फिर भी विषय भोगने की प्रवृत्ति नष्ट, रोज पिटाई हो रहा है, 5 पिटाई माने 5 इंद्रियां हमको पीट रही है, नेत्र पीट रहा है, कान पीट रहा है, आंख पीट रहा है, रोज तो पिटाई हो रही है। विषय भोगने के लिए जाते हैं, भोग भोगा तो भोगते स्वयं वो भोगता, लोग सोचते हैं कोई दूसरा भोग, हम ही लोग रोज पिटाई, 5 जूता रोज मिल रहा है, नाक पीट रहा है, कान पीट रहा है, कान कह रहा है कि हमको फिल्मी गाना सुनाओ, आँख कहता है कि हमको चित्र सिनेमा दिखाओ, रूप दिखाओ, स्पर्श कह रहा है कि कोमल कोमल स्पर्श, पिटाई हो रही है, रोज रोज पिटाई। इसे तो बैराग कहाँ किसी को होता है, वो भंग के लड़के को बैराग हो, वह छोड़ो बाप बाप नहीं सहेंगे, कितना पिटाई, बाप जवान हो गया और बेटा की पिटाई हो, लड़का जवान हो गया, बाप की पिटाई विषय कर रहा है, फिर भी चित नहीं हो रहा, बूढ़ा हो गया,
अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धौ आति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। एक एक इंद्रियां जवाब दे दी, फिर भी आशा विषय भोगने की जो आशा है वो गई नहीं। पिता ये पांच जूता रोज लग रहा है, वो भांगी के लड़के को बैराग, देखो भाई बैराग में कितना बड़ा फल है, बैराग हो गया उसे, बैराग हो गया तो घर बार सब छोड़ करके एक लंगोटी पहनकर जमुना जी के तट पर जाकर के बैठ गया। उधर से राजा अपने दल बल के साथ आ रहा था और अपने पूरा बारात के साथ देखा कि जमुना जी के तट पर एक विरक्त महात्मा बैठा था। देखिए बैराग में कितना तेज सुख है, हम लोग सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस कर देखेंगे, हम लोग हमारी दुर्दशा हो रही, विषय पिटाई हो रहा है फिर भी विषय से छोड़ने का मन। महात्मा अपने रथ से उतरा, प्रणाम किया, महाराज आप इस जंगल में तट पर नहा घनघोर जंगल में आप क्या कर रहे हैं बेटी। उनको जबरदस्ती पकड़ करके राजा अपने आसन पर बैठा, रथ पर बैठा, अब बैठा करके ले गया और ले गया अपने महल में, और महल में जा करके अपनी स्त्री से पुत्र से बाल बच्चों से कहा हमारे गुरु जी। देखिए अब ख्याति हो गया, बड़ा जो पांच पांच जूता खा करके रोटी मिलती थी, आज तो पूजा होकर रोटी मिली, यही हम लोगों की दुर्दशा है। घर में पिटाई हो गए, बाबा जी बन गए, बिना परिश्रम का अन्न मिल रहा है, देखो उस बंगी का क्या दुर्दशा है। अब तो पूजा उसकी जो लड़की थी, लड़की कहेगी हम तो अभी इन्हीं से दीक्षा देंगे, हमको तो आप दीक्षा दें। हम भी कहा कि अच्छा है भाई चलो, यहाँ तो बिना जुताई का भी चेली मिल रही है, चलो पिटाई का दुर्दशा। राजा एक दिन क्या किया कि शोभा यात्रा निकला, और शोभा यात्रा पर गुरु जी को विशाल आसन लगा करके माला डालकर छत्र चामर लगा करके शोभा यात्रा निकला। उस भंगी के स्त्री और बच्चे देख लिए, ये तो लड़का भाई तो मेरे पापा हैं, पत्नी भैया हमारे तो पति हैं, और ये भी भंगी देखा रथ से कूदा कूद कर चला भाग, अरे बाप अब तो पोल खुली अब तो जान बच। भागवत में लिखा गया है जब तक दम्भ चलता है तभी तक पूजा होती है, दम्भ खुलने के बाद पीटी जाती है, दिखावे वालों की यही स्थिति है। कितना दिन तक दम्भ चलेगा। अब तो राजा के पास भांगी की स्त्री आई, बच्चे हमारे पिताजी को आप कहाँ पकड़ लो, हम तो खाने पीने और नए कमा कमा कर लाते थे, पांच जूता भी पीटती थी तभी घर पर तो पड़ेगा, अरे ये फूल खुल गया जना कष्ट, अब राजा तो अपनी गलती का पछतावा अपने ही कर रहा है। घर पर आया तो लड़की पूछी कि हमारे गुरु जी कहाँ, तो राजा कह रहा है कि अरे तुम्हारे गुरु जी नहीं, वो तो ढोंगी था क्या था लगा, तो लड़की कहती खबरदार हमारे आगे हमारे गुरु जी की निंदा नहीं कर सकते, हम तो उनसे दीक्षा ले, हम तो उन्हीं की निष्ठा कर। कितना भी अब राजा समझाए लड़की समझने के लिए तैयार, हटी हट हो गया चलो। अब राजा समझाया, उसके माँ समझाई, सब समझाए, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन खाना पीना छोड़ दी, अब गुरु जी को हमको दर्शन चाहिए। अब भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में रहते हैं, जीवों की उत्कट अभिलाषा गुरु के प्रति देखकर, भगवान तो भगवान है, भगवान तो समझे निष्ठा होना चाहिए, निष्ठा हो गया कि हमको गुरु जी हैं, उन्हीं से हमको भगवत प्राप्ति मिलती, और हमारे गुरु जी के हमारे पिताजी निंदा कर रहे हैं, अब हम गुरु का निंदा नहीं सुनेंगे, हम तो जंगल में जाऊंगे। भगवान
भगवान आ गए, भगवान प्रकट हो गए। देखिए निष्ठा की वर्तमान क्या था, निष्ठा की यही शक्ति, भगवान ठाकुर जी आ गए, प्रकट हो गए। भगवान आ गए तो पूछी वो लड़की आप कौन है, तो भगवान हमारे गुरु जी को ला दीजिए, बहुत दिन हो गुरु जी का मैं दर्शन कर। तो गुरु जी आए, ये निष्ठा है, निष्ठा। जब तक निष्ठा विश्वास, भजन मार्ग का रास्ता है श्रद्धा विश्वास और निष्ठा, ये पक्का नहीं होगा। अवश्य श्री कृष्ण मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य रक्षिव कृष्ण विश्वास और पालन। यदि ये शरणागति जीव के हृदय में नहीं हो गए तब तक ये भगवान मिलने वाले नहीं था। भले माला घसकाते रहो करो, लेकिन निष्ठा नाम पर विश्वास, अटूट विश्वास, ये साक्षात प्रभु हमको नाम रूप में मिले हैं, उनकी कृपा से हमको भगवत दर्शन मिलेगा, भगवत प्रेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सब आसव मत प्रेम जय तुम भाग्यम कनुआ, ये हमारा भाग्य जो देखो यही भाग्य है, यदि नहीं होगा तो नहीं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उस कुंड के तट पर इतना अपार निष्ठा है, किस पर? रूप गोस्वामी का है, प्रिया जी पर। वो प्रिया जी के मुख पर जो काला है काजल की रेखा को देख करके आए, वही इस अकलंक बदन पर ये चंद्र की तुलना सकलंक चंद्र कैसे प्रकट हो गई। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं प्रिया जी ही ऐसी हैं जिन पर कोई कलंक नहीं, निष्कलंक। लेकिन निष्कलंक को यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हे शशिमुखी, चंद्रमा कलंकित है, अर्थात तुम्हारे कपोल पर एक काला कैसे लग गया, श्याम के लाल ओठ पर काजल लग जाने से काला हो गया। देख कर स्वामी फिर थोड़ा ये ऐसी दिव्य लीला का स्मरण हो गया है, महा काजल लग गया है, इसलिए संबोधन में कहे हैं शशिमुखी। कहते हैं शशिमुखी कवे आमी भ्रमर गुंजित नाना रूप मनोरम कुसुम रचित। हे शशिमुखी, हे प्रियाजू, हे किशोरीजू, ऐसा समय कब आएगा कि आपके गले में लगा हुआ जो पुष्पों की माला है और सुगंध से लोभी भ्रमर गुंजायमान करते हुए चलेंगे और अति सुवासित नव मल्लिका राशिते कुंकुम रजित काम चित्र राजिते मदन मदनानंद कुंज, जो किशोरी जी का है, उस कुंज की रचना मंजरियां करती हूँ। तो वो मुझे सब कब मदनानंद नाम कुंज भीतर तव तरे नव मल्ली प्रसून निचर रचिब उत्तम सैया सानंद हृदय। ऐसा सुअवसर हमें कब प्राप्त होगा कि प्रियालाल के विहार स्थली मदनानंद कुंज की चित्रकारी हम करें। चित्र पर ये दीवार पर बड़ा सुंदर सुंदर निकुंज में कामोद्दीपक चित्र बना हुआ है, जिस चित्र को देख करके प्रियालाल एक दूसरे से मादन रस से भावित हो जाते हैं। तव तरे नव मल्ली प्रसून निचय रचिब उत्तम सैया सानंद हृदय। ऐसी स्थिति हमको कब प्राप्त होगा, कब प्रसन्न होंगे, ये निष्ठा, ऐसी निष्ठा। गुरु के चरण कमल में अपार निष्ठा कि उनके कृपा से उनके बताए हुए जिस रास्ते पर हमको दिए हैं जरूर हमको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा कुंड के तट पर बैठ करके प्रिया जी की एक एक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, और जब रसवरण विराम होता है तो इतनी महाभाकार हृदय में उठता है, जिसके फलस्वरूप प्रिया जी की वह लीला स्मरण, वो लीला प्रकट हो जाता है, और प्रकट होने के बाद वह उस लीला में उनको सेवा करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
भगवान हम लोगों को इतना बड़ा आश्वासन देते हैं, क्या देखिए नाम देते समय कितना भारी आश्वासन देते हैं, क्या तुम सचमुच हमको दर्शन करने की इच्छा है तुम्हारे हृदय में, भगवान कहते हैं। हम लोग सोचते हैं इतना जप किए, इतना भजन किए, अभी भगवान का दर्शन क्यों नहीं हुआ। कहते क्या तुम शांति चाहते हो, क्या रोग शोक दुख ज्वाला अभाव से परित्राण पाना चाहते हो, क्या परमानंदमय भगवान को दर्शन करने की वासना तुम्हारे हृदय में जागृत हो गई, तो केवल तुम निरंतर मेरा नाम सुनो। हम लोग को नाम पर विश्वास हो, इसलिए भगवान इतना लेट कर रहे हैं। यदि भगवत दर्शन की इच्छा से ठाकुर जी का नाम रटा जाए तो भगवान आने में विलंब नहीं करते, हमारी जो जो इच्छा होती है वो प्रकट होता जाता है, धन की इच्छा, वैभव की इच्छा, जो अपने आप, क्योंकि ये चिंतामणि भूमि वृंदावन है, यहाँ पर बैठ करके जिस वस्तु की कामना करते हो वस्तु हमारे सामने आ जाए। आ दौड़ करा, मेरा नाम ले, तुम्हारा जीवन कृतार्थ होगा, तो परमानंद सागर में डूब जाओगे, तुम्हारे बाहर भीतर आगे पीछे सर्वत्र मैं ही हूँ, तुम मेरे देखने की इच्छा कर बस। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक महात्मा कहता था कि नाम रटते रटते समय तो यही कहा जाए, पिताजी आप दर्शन कब देंगे, नाम रटका उसका संकुट यही बना, प्रिया जी से तो ठगी चलेगा नहीं। हम लोग यदि संसार की इच्छा रह करके प्रिया जी से ठगेंगे, प्रिया जी कब दर्शन देंगे, प्रिया जी देख जानती है कि मन में तो रह रहा है संसार की इच्छा, ऊपर से कहता है प्रिया जी कब दर्शन देंगे, तो जो वस्तु है वो सामने दे दे, जो वस्तु हम लोगों को मिल रहा है तो समझना चाहिए यही हमारी इच्छा है, इसीलिए आ रहा है। यदि भगवान की इच्छा होती तो भगवान है। गीत गोविंद अष्टपदी 18, पथताम मन मत खिन्नाम रतिरस भिन्नाम विषाद संपन्नाम अनुचिंतित हरिचरितां कलहं तरितां उवाच सखी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि। रवि शरति बहति मधु पवन किम परम अधिक सखी सुख भवन, माधव मा कुरु मानिनी मान मये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ताल फलादपि गुरु मति सरसम किं विफली कुरु से कुछ कलसम, माधव मा कुरु मा मिनी मानमये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
राम 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 हरे हरे। कति न कथित मिद मनुपद मचिरम माँ परिहर हरि मतिशय रुचिरम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम विधि दसी रोदिशि विकला बिहसति युवती स भातव सकला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मृदुनल नींदल शीतल शयने हरि मवलोकय सफलय नयने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जनयसि मनसि किमित गुरु खेदम शृणु मम वचनम निहित भेदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि रूपया तु वदतु बहु मधुरम किमिति करोषि हृदय मति विधुरम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे जय देव भणित मति ललितम सुखय तुरसिक जनम हरि चरितम। श्री जय देव भणित मति ललितम सुखय तुरसिक जनम हरि चरितम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हे राधे, आप श्री कृष्ण के प्रेम करने पर उनसे रूखा व्यवहार करते हैं ना। हम लोग भगवान हवा दे रहे हैं, पृथ्वी दिए हैं, भोजन दे रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं, हमारे पीछे पीछे चलते हैं, और हम लोग कहते हैं हम भगवान नहीं मानते, हम निराकार को मानते, अरे भगवान नाम का कोई चीज नहीं।
कहते हैं ना, वही गोपियां कहती है भगवान प्रेम करते हैं और हम भगवान से रूखा व्यवहार करते हैं, हम नहीं आए, हमारी कृष्णा की शुक्र करने से क्या होगा भगवान का नाम लेने, अरे जीवन मिला है मौज मस्ती के लिए, यही है। स्निग्ध जत परुषासि जत प्रणमति स्तब्धासि जत रागिणी। अब भगवान को कितना प्यार है हम लोगों से, हम लोग तो याद नहीं, लेकिन ठाकुर जी को याद है सब, कुत्ता बने, बिल्ली बने, सुअर बने, इंद्र बने, ब्रह्मा बने, भगवान को सब याद है। और जहां जहां हम लोग गए वहां वहां हमारे साथ ठाकुर जी रहे, हमारे पीछे पड़ते रहे, हमारी सेवा में भगवान है। लेकिन हम लोगों का कड़ा व्यवहार तो देखो, जीव के पास ताकत कुछ नहीं है और कहता है कोई नहीं ब्रह्म, तो भगवान कहते बेटा अब हमको क्यों, हम इतना प्यार करते हैं, अब हम क्यों जमराज को बुलाऊं। देखिए जीवों की दुर्गति देखकर भगवान ने जमराज को बनाया, अब भगवान तो पीट नहीं सकते, भगवान तो प्यारा है, भगवान सोचते हैं कि जिसको मैं गोद में खिलाता हूँ, प्यार करता हूँ, उसको खाना देता हूँ, उसको जगत जोगक क्षेम का वहन करता हूँ, मैं क्यों पीटूं, अजीव तो पीटने वाला देवता है। भागवत आचार्य लोग कह रहे हैं अहो जनानम विष्णा विमुख्यम वक्तु समर्थो विघ्न वक्तु कस्य, अरे इन मनुष्यों को लात खाने की आदत पड़ गई इसीलिए हमारा प्रेम को ठुकरा देता, हम प्यार करते हैं इसे आ तो हमारे उन्मुख हो जा, क्यों संसार में जा रहा है, संसार में कुछ है नहीं, केवल माया का खिलवाड़, प्रलोभन देकर तुझे फंसा रहा है लेकिन हो गए नहीं, इतना भगवान प्यार करते। लेकिन हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं, स्नेह जत परुषासि जत प्रणमति स्तब्धासि जत रागिणी द्वेषस्थासि जत उन्मुखे विमुखता प्रिये तद जो तम विपरीत कारिणी तव श्रीखंड चल जाविषम सीतांशु उष्ण तपनो हिमम हुतव क्रीड़ानुदो यातना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। जितने श्लोक है उसका दो दो अर्थ, इसके एक सरस्वती परक अर्थ, जो अर्थ मैं किया वो अर्थ इसका नहीं, जो मैं कहा उसका अर्थ नहीं, ये मधुर रस की चर्चा है ना, लेकिन इसका अर्थ यह भी है, पिटाई भी है, दोनों एक साथ चल रहा है। ये वेद है ना तो परोक्षवाद है, छिपा करके बोलता कुछ और है, बोलना कुछ और चाहता है। ये देखिए हे राधे, देखिए हे राधे, मैं समझ जाओ कि हम सब जीवों को भगवान का दे प्यारे, गोपियां कहती हैं जीवा सखी की करोड़ प्रार्थना, निकुंज की रहने वाली किशोरी जी की दास्य की एक दुर्दशा हो गया संसार की तरह। भगवान के हम लोग हैं, नित्य परिकर हैं, उन्हीं के साथी हैं, उन्हीं के सेवक हैं, हम लोग कृष्ण बहिर्मुख हो गए हैं और भगवान हम लोगों को बुलाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, नहीं आने पर भगवान पीटते हैं कि सबसे तो पिटाई हो रहा है, जब से जन्म हुआ है पिटाई हो रहा है, रोग दे रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्श, ये सब पिटाई है कृष्ण की पिटाई, केवल भगवान इतना कष्ट देते हैं अपने पास लाने के लिए। लेकिन हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम लोग दवा खा खा कर पिटाई खाएंगे, भगवान कहते हैं तुम आ जाओ मेरे पास, मैं कष्ट दिया हूँ अपने के लिए, आ जाओ मेरे पास, तो जीव कहता है तुम्हारे पास क्यों जाए, हम हॉस्पिटल में चले जाए, यही तो दुर्दशा है। भगवान कहते हैं तू कुछ मत, माया है ना, माया भगवान की परिचारिका है, जीवों को अपने पास लाने के लिए माया कष्ट देती रहती, क्यों एक ही है तुम भगवान के पास आए, लेकिन जीव अलग अलग नहीं, उनके नर्म होने पर कठोर हो जाती हैं, उनके अनुरक्त होने पर विरक्त हो जाती हैं, उनके सामने आने पर मुंह फेर लेती है, अपना अपना अर्थ निकालना, ये प्रिया जी का छोड़िए अपना अर्थ निकालना। श्री कृष्ण के प्रेम करने पर रूखा व्यवहार करते हैं, आसंत महापुरुष कुछ भोजन पानी खाने पीने सारा माता के पेट से निकलते ही माता के स्तर में दूध डाल देते हैं, सारी व्यवस्था श्री कृष्ण कर देते हैं,
इतना प्यार करते हैं, लेकिन हम उनसे रूखा व्यवहार करते हैं, उनके नम्र होने पर कठोर हो जाते हैं, उनके अनुरक्त होने पर विरक्त हो जाते हैं। विरक्त ये नहीं, हम जितना संसारिक प्राणी वो सबसे बड़ा विरक्त है। विरक्त है ना, भगवान को छोड़ करके विषय की ओर दीवाना है, तो अपने प्यारे को छोड़कर संसार के लिए विरक्त नहीं तो बड़ा बार विरक्त। सामने खोने पर मुंह फेर लेती है, इसलिए आपके श्रीखंड चर्चा का विष आहा। तो कृष्ण के वीर वियोग में, कृष्ण के बहिर्मुख होने से चंदन भी विष का काम करता है, चंद्रमा भी सूर्य की तरह ताप देता है, हिम भी अग्नि की तरह हो जाता है, और कीड़ा भी पीड़ा की तरह विपरीत हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पावन श्री हरिनाम महाराज की जय। सुधार में श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगपालक श्री हरिनाम महाराज की जय। कलयुग पावना अवतार श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समाचार है कल से।